तो बिना किसी कंट्रोवर्सी में फंसे शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me, Nabeel Sultan. And if you're watching me for the first time, don't forget to hit the subscribe button and make sure that you hit the bell icon that you will never miss new videos. So, मैं क्या देखने वाला? यार, अभी basically मैं अपने स्टूडियो में आया था कुछ चीजें लेने, तो मैंने बोला कि अब स्टूडियो में आ ही गए हैं तो कुछ रिकॉर्ड करके चले जाते हैं। रिकॉर्ड करने लगा हूँ मैं, एक वीडियो है PewDiePie highlights on this day a hero was born, blue shirt kid. ठीक है यार, अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ मैं। PewDiePie कौन है यार? PewDiePie एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर होता था। फिर उसके बाद उसने एक टी सीरीज को रोस्ट किया था कहीं, और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी इन दोनों के बीच में, जंग टाइप शुरू हो गई थी। सब इंडिया वाले टी सीरीज को सपोर्ट करने लग गए थे और सब बाहर वाले PewDiePie को, आई गेस। लेकिन सीन क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ द डे टी सीरीज जीत गया, और अभी टी सीरीज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। और मैंने सुना था कि इंडिया में बेसिकली आई गेस डिफॉल्ट है कि जब भी कोई गूगल अकाउंट है तो ऑलरेडी वो टी सीरीज का क्या कहते हैं उसको, सब्सक्राइबर होता है, कुछ इस टाइप का है। पता नहीं है कि नहीं है, मुझे इस चीज में नॉलेज नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा था शायद ये हो। तो इन लोगों का काफी चलता रहता है। तो चलो ये वीडियो देखते हैं, एक मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, पहले देख लेते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे, अगर आपने नबील वर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार, किस चीज का वेट कर रहे हैं। और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पहले देख रखी है, मेरे साथ देखना चाहते हैं, तो what we are waiting for, let's further ado, might really jump into the video. Why do you think T-series is so big in India? Okay, first of all, like the YouTube algorithm. All right, this kid knows what's up. It's the YouTube algorithm, that's all there is. I like this kid. Finally, someone's speaking some truth here, okay? They post like 20 videos a day. Right. They post like 20 videos a day. YouTube is like, oh yeah, we need to push this. No human being can push 20 videos a day. It's the only advantage they have on me. I am subscribed to him for the meme. For the meme! The only reason I'm not subscribed to T-Series is because I don't want 20 videos a day blocking my life. Goddamn right! This kid is the best! This man, like, the top independent creator is still PewDiePie, so it doesn't make a difference. And even if he's not, he's making the same content. It doesn't matter if he's like above or below T-Series in any way. Oh. Not to me at least. Oh. Damn. This is so cool. T-Series is still continuing to grow because India, Jio, whatever. For our global viewers who don't know what Jio is, can you explain? Basically, Jio is a Wi-Fi company that's offering like Wi-Fi at really cheap prices now. So like a lot of India is now suddenly online. Man, this kid is so smart. YouTube, hire this kid. ये बेसिकली वीडियो थी। मैंने PewDiePie की सिर्फ दो तीन वीडियोस ही देखी हैं, और वो भी आएगा इसने वो एक दफा बॉलीवुड को रोस्ट किया था, इस टाइप का कोई रोस्ट था, तो मैंने PewDiePie का कंटेंट इतना देखा नहीं है। और मुझे फीड में कभी आता भी नहीं PewDiePie, ऐसा होता है ना कभी रैंडम क्रिएटर्स आ जाते हैं। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर है वो, लेकिन मुझे आज तक वो कभी शो नहीं हुआ कहीं। लेकिन चलो मैं कभी किसी टाइम निकाल के उसका न्यू रिएक्शन करेंगे हम, देखें उसे PewDiePie कर क्या रहा है। और बाकी ये सारी बेसिक चीजें तो मुझे पता थी। पता नहीं अभी भी PewDiePie और टी सीरीज का इशू चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पर एक और रिएक्शन चैनल है जैबी कुबे, उसने पोस्ट किया हुआ था। और वैसे भी देसी लोग आंखें मूंद के गोरे पे यकीन करने चले जाते हैं, तो खैर उसका ओपिनियन सही होता है, लेकिन अंधा विश्वास कर लेते हैं लोग गोरों के ऊपर भी, और भाग के उनके पीछे चले जाते हैं व्यूज देने। और हम जैसे देसी हो, कोई व्यूज नहीं देगा, तो खैर मसला नहीं है, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। तो कितना रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर देना। एंजॉय लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।